GTA इंडिया के डेवलॉप 2 में आपका स्वागत है और आज हम काफी सारे चेंजेस करने वाले हैं अपने गेम। बाय द वे, जो लोग नए हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि हम एक साल के अंदर GTA जैसा गेम बनाने वाले हैं जो कि बेस्ड होगा इंडिया पर। इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट हमने कुछ महीने पहले ही अपलोड कर दिया था, तो अगर वो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखो वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। एंड बिग थैंक्स टू गेम ऑन बजट, क्योंकि उनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। तो कॉमेंट में कॉपी लिखना बंद कर दो। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड पर्सन कंट्रोलर को चेंज करेंगे, क्योंकि पहले वाले TPS कंट्रोलर के एनिमेशंस तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे हम इन्वेक्टर का पेड कंट्रोलर यूज करने वाले हैं, जिसमें एनिमेशंस भी स्मूथ हैं और साथ ही में हम कैरेक्टर का मॉडल भी चेंज करने वाले हैं। भाई पता नहीं ये मॉडल कब तक चेंज होता रहेगा। तो फिर हमने कैरेक्टर मॉडल को इम्पोर्ट किया, न्यू TPS कंट्रोलर को भी इम्पोर्ट किया और कैरेक्टर मॉडल एंड TPS कंट्रोलर का सेटअप कर दिया। इसके बाद UI बटन्स का एड ऑन भी एड किया, जिससे मोबाइल के लिए UI बटन्स एड कर सकें। तो UI और कैमरा के सेटिंग्स को चेंज करने के बाद ये रहा रिजल्ट, जो पहले से तो बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछले डेवलॉग में बोला था कि गेम में हम टैक्सी जैसा कोई मिशन ऐड करेंगे, जैसा कि GTA गेम्स में होता है। मैप में आपको अलग अलग लोग मिलेंगे और उन्हें उनके लोकेशन पे ड्रॉप करने पे आप पैसे कमा पाओगे। तो फिर इसके लिए हमने कार कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लिया। तो कार कंट्रोलर के लिए RCC एसेट का यूज कर रहे हैं हम। तो इसे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने के बाद ऑटो रिक्शा का मॉडल उठा लिया और इसे सेटअप किया, और ये काम नहीं कर रहा था क्योंकि 3D मॉडल के पार्ट्स कंबाइंड थे, ना कि अलग अलग। तो फिर हम स्केच फैब गए और वहां से कुछ मॉडल्स उठाए रिक्शा के, जिनमें से चेक करने पे हमें एक ऐसा मॉडल मिला जो कि सेपरेट था। तो बस फिर इसको सेटअप कर दिया और कोलाइडर्स वगैरह ऐड कर दिए और फिर UI बटन्स का भी सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद ये रहा रिजल्ट। ऑटो रिक्शा का कंट्रोलर तो रेडी है और अब बनाना है इंटर एग्जिट सिस्टम। तो यहाँ पर हम इसे बिना एनिमेशन के ही बना रहे हैं, क्योंकि इसे तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। अभी हमारे सामने जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा बड़ी हैं इंटर एग्जिट एनिमेशन से। तो इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे और ट्रिगर्स बनाए, जिसमें प्लेयर एंटर होगा तो UI बटन शो करेंगे रिक्शा में। साथ ही में प्लेयर का मॉडल उठाकर इसे ड्राइवर की तरह बैठा दिया और अब ये रहा फाइनल रिजल्ट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गेम की वो है मैप। तो इस बार मैप को बनाया है टी रोस्टर डेव ने, एंड उन्होंने ये कैसे बनाया ये आप खुद ही सुनो। हेलो देयर, टी रोस्टर हियर। तो आप में से बहुत से बंदे होंगे जो मुझे जानते नहीं है, बट हाँ अभी मेरा इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट देख के जान जाओगे। तो बेसिकली मैं इस प्रोजेक्ट दिल्ली में काम कर रहा हूँ एज ए 3D एसेट डिजाइनर, बट इन रियल लाइफ मैं एक गेम प्रोग्रामर हूँ, इसलिए 3D मॉडलिंग का मुझे थोड़ा सा ही नॉलेज है। सो मैंने अपने फ्रेंड ऋग्वेद की भी हेल्प ली है इस मैप को बनाने में। तो इस मैप में बहुत सारे डिफरेंट प्लेस होंगे लाइक GTA 5 और मुंबई गलीज, बट अभी के लिए हम सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया रिवील करेंगे। सो ये पूरा थिएटर एरिया है जहाँ पे आपको इंडियन फील देने वाले बस स्टॉप्स दिखेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखेगी और मेन रोड को बाइसेक कर रहा एक ब्रिज दिखेगा। तो पूरा मॉडल हमने ऑटोडेस्क में आया एक पावरफुल 3D सॉफ्टवेयर में बनाए, बट ये जगह अभी लाइव नहीं लग रही है। तो इस एरिया में जान डालेंगे गेम ऑन बजट ब्रो। तो इन फ्यूचर और भी बढ़िया प्लेस रिवील करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स। मेक श्योर गाइस आप इनके चैनल को भी चेकआउट जरूर करना। तो मैप रेडी होने के बाद अब इसको प्रोजेक्ट में इम्पोर्ट कर लिया और फर्स्ट सीन सेटअप कर दिया। तो मैप अभी कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद मैप के सारे साइड्स को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वहां तो नहीं जाने देंगे हम लोगों को। फिर ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमने ऑक्लूजन कलिंग भी अप्लाई किया, एंड ये कैसे वर्क करता है आप देख सकते हो। आप जिस डायरेक्शन में देख रहे होगे चीजें वहीं पर रेंडर होंगी, दूर की नहीं, तो इससे गेम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और सारा सेटअप होने के बाद ये रहा गेम प्ले। अब गेम के लिए मेन्यू भी बनाना था, तो इसकी इंस्पिरेशन हमने 171 गेम से ली है। अगर आपको इस गेम के बारे में नहीं पता तो ये ब्राजीलियन GTA था और इस गेम की सिटी मुझे काफी अच्छी लगी थी। और UI का भी सेटअप किया। मेन्यू के लिए स्ट्रीट का एक मॉडल उठाया, जिसमें एक NPC जो कि पोल के साथ खड़ा होगा और उसके सामने वाले रोड से एक रिक्शा जाएगा। तो ये सब इम्प्लीमेंट करने के बाद मेन्यू काफी ज्यादा यूनिक लगेगा। और अब एक स्क्रिप्ट लिखी जिससे गेम प्ले, एग्जिट और सेटिंग्स वगैरह हो सकती है। और सारा सेटअप होने के बाद ये रहा मेन्यू का प्रीव्यू।
तो इस बार हम NPCs के मॉडल्स को रियल वाले से रिप्लेस करने वाले, क्योंकि पिछली बार हम यहाँ पर डमीज का यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले NPCs के मॉडल डाउनलोड कर लिए और फिर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले ओल्ड वाले NPCs के साथ मॉडल रिप्लेस किए और फिर उसके बाद हमने स्क्रिप्ट और एनिमेशंस का भी सेटअप किया। ये हो जाने के बाद पूरे मैप में NPCs को पॉपुलेट कर दिया, जिससे अब गेम की सिटी अलाइव लग रही है। बट यहाँ पर परफॉर्मेंस का इशू होना था, जिसके लिए हमने NPCs की ऑप्टिमाइजेशन की लेवल ऑफ डिटेल सिस्टम से, जिससे अगर NPCs कैमरा से दूर है तो वो डिसेबल्ड होंगे और इससे गेम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो ये रहा रिजल्ट। मिनी मैप के लिए सबसे पहले मैप के टॉप से इमेज ली और फोटोशॉप में एडिट कर दिया। जैसे कि GTA गेम्स में मिनी मैप होता है, वैसे ही इमेज एडिट कर ली और फिर प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने के बाद थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग की और UI का सेटअप किया, जिससे मिनी मैप भी रेडी है और ये रहा रिजल्ट। तो टैक्सी मिशन को हम GTA गेम्स जैसा बनाने वाले हैं। इसमें इंडियन रिक्शा और इंडियन करेंसी भी होगी। तो सबसे पहले एक बटन बनाया जिसमें टेक्स्ट चेंज किया और इसको प्रेस करने से मिशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर स्क्रिप्ट्स लिखे जो कि NPC स्पॉनिंग, मिशन टेक्स्ट और इन गेम करेंसी वगैरह को मैनेज करेंगे। स्क्रिप्ट्स के बाद फिर स्टॉप पॉइंट्स बनाए जहां पर NPC स्पॉन होंगे और अब इसको चेक किया कि ये सही से काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं। इसके बाद भाई पॉज मेन्यू भी बनाना पड़ा, क्योंकि NPCs की लोकेशन देखने के लिए मैप देखना पड़ेगा। तो बस UI का सेटअप किया और पॉज मेन्यू भी रेडी है। फिर इंडियन करेंसी के UI लगाए और स्क्रिप्ट में करेंसी का टेक्स्ट अटैच कर दिया। और अब अगर NPCs को स्टॉप पर उतारेंगे तो करेंसी बढ़ती रहेगी। तो ये रहा रिजल्ट। तो फिलहाल के लिए हम फुल मैप में NPCs और ट्रैफिक कार्स नहीं ऐड करने वाले, क्योंकि मैप आगे जाकर और भी एक्सपेंड होगा एंड और भी चेंजेस हो सकते हैं। तो बार बार NPCs और AI कार्स का सेटअप करने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये हम तभी करेंगे जब गेम का फुल मैप रेडी हो जाए। इसके बाद हमने स्केचफैब से कुछ इंडियन कार्स के मॉडल उठाए और फिर 5-6 कार्स मैप में ऐड कर दिए। फिर स्क्रिप्टिंग में थोड़े से चेंजेस करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। हमारी जो कार्स हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। तो फिर 2 घंटे की मेहनत के बाद अब AI कार्स भी रेडी हो गई हैं, जिसके बाद हमने सारे AI कार्स को स्प्रेड कर दिया। तो ऐसे ही AI कार्स भी रेडी हो चुके हैं। एंड बाय द वे, अभी जो हमने कार्ड्स ऐड किए हैं ये फाइनल कार्ड्स नहीं है, फ्यूचर में हम मॉडल्स को रिप्लेस करने वाले हैं। इन्हें आप प्लेसहोल्डर कार मॉडल्स की तरह समझ सकते हो, क्योंकि जब तक ओरिजिनल मॉडल्स नहीं आ जाते तब तक मैप को एम्प्टी थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो हाँ, GTA इंडिया के डेवलॉग पार्ट 2 में बस इतना ही। आई नो, हो सकता है आपको अभी उतना प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 10th डेवलॉग आने तक हम इसे काफी प्लेबल गेम बना देंगे। एंड अगेन, आप इसे मुंबई गलीज, माया नगरी या फिर किसी भी GTA गेम से कंपेयर मत करना, क्योंकि उनके पास काफी बड़ी टीम है और हम अपने गेम को सिर्फ 1-2 लोगों के साथ ही मिलकर बना रहे हैं। एंड मैं कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगा कि इसमें आपको ढेर सारे मिशंस मिलने वाले हैं या फिर GTA ऑनलाइन जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। सही बताऊं तो मैं खुद नहीं जानता कि गेम किस डायरेक्शन में जाने वाला है, लेकिन मैं इस जर्नी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। तो देखते हैं कि आने वाले डेवलॉग्स में हम कैसे प्रोग्रेस कर पाते हैं। बाकी मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि हम इसमें अपना बेस्ट देंगे और आपको एक प्लेबल एंड एंजॉयबल गेम प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसीलिए मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाओ। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वरना आप 3rd डेवलॉग मिस कर दोगे। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।